Good morning, student. Today we are going to study the remote sensing satellite housing. Exactly, remote sensing satellite housing means what? Structure or architecture of a satellite is known as remote sensing satellite housing. अगर हम देखें तो उसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसे हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कर सकते हैं कि एक सपोज एक एग्जांपल में देखिए कि ये जो एक है, एक ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की एक प्रॉपर बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर उसके जितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स इसमें आपको नजर आ रहे हैं। इसमें इसके साथ बेसिक जब हम पढ़ते हैं तो बेसिक्स में सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या शुरू होता था, हमने जब पढ़ा था तो हमने जो सैटेलाइट है जो उसमें डिफरेंट टाइप के सेंसर्स रहते हैं, बैटरीज रहती हैं, अरेज रहते हैं, पैनल्स रहते हैं, एंटीनाज रहते हैं, जो ये सारे जब एक पूरे सेटअप में अरेंज होते हैं तब इसकी सैटेलाइट की एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। क्लियर? तो जनरली जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं ये मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट पर रहते हैं। दे आर कंसिस्टिंग ऑफ मेनली टू टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स। द मेन प्लेटफॉर्म इज MPL, दैट इज मेन प्लेटफॉर्म MPL, एंड नेक्स्ट वन इज योर पेलोड प्लेटफॉर्म्स। ओके, तो MPL नॉर्मली housing all mainframe subsystems like power system, telemetry tracking system, command system, altitude and orbit control systems, then communication system. तो जो हमारा सबसे ज्यादा देखिए MPL जो है main platform satellite है, जो मेरा जो main platform है वो उसके अंदर इतनी चीजें mount होती हैं जिसमें कि telemetry tracking system और सारे के सारे basic system इसके ऊपर mounted रहते हैं। तो MPL is also serve as a module or a satellite bus. इसको अगर हम satellite bus भी बोले तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक suppose जैसे एक bus के अंदर पूरी windows हैं, उसके अंदर उसके सारे तरीके seats हैं और उसकी steering है, उसके पूरा setups हैं, तो जिस तरीके से एक bus के अंदर पूरा structure के अंदर पूरी framing होती है सारे essential equipments की और essential parts की, उसी तरीके से इसको हम जो MPL है उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बस। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो व्हाट इज अ PPL, PPL इज अ पेलोड हाउसिंग जिसके अंदर सेंसर और स्टार सेंसर्स रहते हैं, केवल दो चीजें रहती हैं। क्लियर? तो जब एक सैटेलाइट की हाउसिंग होती है तो उसका एक सब स्ट्रक्चर, ऑल द सब स्ट्रक्चर आर माउंटेड ऑन अ स्टेबल स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर हम किसको बोल रहे हैं, जो उसके छोटे छोटे से पार्ट होते हैं वो माउंटेड होते हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर। द स्ट्रक्चर प्रोवाइड ओवरऑल मैकेनिकल इंटीग्रिटी टू द सैटेलाइट, राइट? तो एक पूरी मैकेनिकल सेटअप इसको दिखाती है। जैसे एक एग्जाम्पल में अगर हम इसका रे डायग्राम देखें, तो एक सैटेलाइट, एक ये आपको सैटेलाइट दिख रहा है जिसमें कि सोलर पैनल दिख रहे हैं, ये सोलर पैनल किससे, पेलोड मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये डेटा हैंडलिंग एंटीना है, अर्थ सेंसर्स हैं और स्टार सेंसर्स हैं। तो MPL पर बाकी चीजें रहेंगी जबकि पेलोड पर क्या रहेगा, पेलोड पर सेंसर्स अवेलेबल रहेंगे, स्टार सेंसर रहेंगे मेरे और सेंसर्स अवेलेबल रहेंगे। और अब ये देखिए एक सिंपल IRS रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट P3 की फिगर देखेंगे जिसमें कि आप डिफरेंट देखिए सोलर पैनल्स हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे सोलर सेल्स लगे हुए हैं और ये सेंसर्स लगे हुए हैं और ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जो कि माउंट है किसी एक बड़े के स्ट्रक्चर के, सब स्ट्रक्चर जो है वो मेन स्ट्रक्चर के अंदर माउंटेड है, तो उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट हाउसिंग। ओके, अब हम आती है बात कि सैटेलाइट हाउसिंग में कितने सिस्टम्स होते हैं। पहले तो सैटेलाइट हाउसिंग के अंदर देखें हम तो हमारे कितने सिस्टम है, नंबर वन पावर सिस्टम है, नंबर टू अल्टीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम है, नंबर थ्री थर्मल कंट्रोल सिस्टम, नेक्स्ट वन इज टेलीमेट्री कंट्रोल सिस्टम, देन टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सिस्टम, देन कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ओके, दीज व्हेन दीज सिस्टम्स आर
assembled or mounted on a bus like structure, then it is known as satellite housing system. अब इसकी अगर हम वर्किंग देखें तो हमें पहले भी बात करी मैंने आपसे कि अगर हम देखें तो जनरली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्फ़िगर मेनली टू टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स, मेन प्लेटफॉर्म एंड पेलोड प्लेटफॉर्म. और मेन प्लेटफॉर्म की बात हो गई हमारी और पेलोड प्लेटफॉर्म की भी बात हो गई. इसके बाद हम जाते हैं, आती है बात मेरी कि पावर सिस्टम, इसमें पावर सिस्टम के लिए क्या क्या यूज किया गया है. तो पावर सिस्टम इज फॉर एवरी सैटेलाइट द मेन सोर्स ऑफ पावर comes from a solar cell. These are photovoltaic cells or devices that convert light into electricity. These cells are arranged and attached on the surface called solar array or a solar panel. Okay? तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमने आपको पहले भी देखा, पहले की फिगर में दिखाया था कि साइड में क्या होते हैं, सोलार पैनल्स होते हैं. क्लियर? और ये पैनल फोल्डेड होते हैं और जब ये ऊपर सैटेलाइट पहुंच जाता है तब जाके ये ओपन होते हैं. क्लियर? उसके बाद आती है बात नंबर टू. नंबर टू पॉइंट हमारा क्या है, नंबर टू पॉइंट है हमारा अल्टीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम. ए सैटेलाइट मस्ट मेंटेन अ सर्टेन अल्टीट्यूड टू अलाउ पॉइंट कैमरा टू द अर्थ. ओके, एक सैटेलाइट जो है वो ऊपर की तरफ है तो उसमें उसका जो कैमरे की पॉइंटिंग है वो कहां होना चाहिए, अर्थ की तरफ होना चाहिए. तो वेरियस फैक्टर्स इसके लिए, इसको सेट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, अर्थ का नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, सोलार की विंड रहेंगी. ठीक है, तो ये सब डिस्टर्ब करते हैं. तो इन सब को मेंटेन करने के लिए अल्टीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम, उसमें एक एडजस्ट किया जाता है जो कि इसके ऑर्बिट को कंट्रोल में, जो हमारा सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में रहे, इधर उधर मूव ना करे. ठीक है, तो यहाँ पर हम दो टाइप की मेथड्स होती है अल्टीट्यूड कंट्रोल के लिए. सैटेलाइट क्लासिफाइड इनटू टू मेथड्स, स्पिन कंट्रोल एंड थ्री एक्सिस कंट्रोल सिस्टम. स्पिन कंट्रोल यूजुअली अडॉप्ट फॉर अ जियोसिंक्रोनस मेटीरियोलॉजिकल सैटेलाइट्स एंड दिस रोटेट इटसेल्फ टुगेदर विद द रोटेटिंग स्कैनर. ठीक है, और थ्री एक्सिस कंट्रोल इज मेनली अडॉप्टेड फॉर द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट दैट नीड एक्यूरेट लुक एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ. सम टिपिकल सेंसर्स नोन एज altitude sensors and used to measure the variation of altitude and accordingly it correct it. Okay, so mainly kya hota hai, jab jo hamara rocket ya jab hamara satellite yahan se upar ki taraf jata hai to usme kya hota hai, propulsion system rehta hai jo ki satellite ko aage ki taraf dhakka deta hai, boost karta hai. Rocket booster kehlate hain jo ki propulsion system ke upar डिपेंड करते हैं और ये पूरा उसको प्रॉपर ऑर्बिट में कंट्रोल करके रखता है. तो ये जो प्रोपल्शन सिस्टम की जो थ्योरी है उसके बेस पे है, जिसके ऑर्बिट के चेंज करना है, ऑर्बिट दूसरा जाना है या फिर उसी ऑर्बिट में अपने पाथ से भटकना नहीं है, ये सब को मेंटेन करने के लिए कहां पर करते हैं हम, अल्टीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम. देन कम टू दी थर्मल कंट्रोल सिस्टम. थर्मल कंट्रोल सिस्टम क्या है, जो फ्री स्पेस टेम्परेचर इज अबाउट -269 डिग्री सेंटीग्रेड. इट इज नेसेसरी टू कीप सैटेलाइट सब सिस्टम विद इन अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर फॉर अ प्रॉपर फंक्शनिंग. यहाँ पर हमें थर्मल कंट्रोल सिस्टम इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर बहुत हाइट पे हो जाने के बाद -269 डिग्री टेम्परेचर में हमारा जो सैटेलाइट है उसका सब सिस्टम को प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में रखना है ना, और उसको मेंटेन करके रखना, ये क्या करता है, स्पेसिफाइड कंट्रोल लिमिट्स के अंदर कंट्रोल करता है, दैट इज नोन एज थर्मल कंट्रोल सिस्टम. क्लियर? देन टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सिस्टम. टेलीमेट्री सिस्टम जो है वो क्या करता है, टेलीमेट्री सिस्टम मेनली जो सैटेलाइट की हेल्थ के ऊपर मॉनिटरिंग करता है. हेल्थ का मतलब सपोज कोई चीज, एक चीज खराब हो रही है, कोई एक सेल खराब हो रहा है, कोई पैनल खुल नहीं रहा है, तो उनकी जो प्रॉपर मैकेनिज्म है, यहाँ से जो नीचे से जो मेन सिस्टम सब स्टेशन से कंट्रोल होते हैं उसके ऊपर पूरी नजर रखता है कि कोई सा कोई सिस्टम में किसी की वर्किंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ये सब चीजें. और तो उसके बाद कमांड सिस्टम क्या करता है, कमांड सिस्टम वर्क टू रिसीव द प्रॉपर कमांड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन. अब यहां से हम कोई कमांड दे रहे हैं कि वो ऑर्बिट चेंज करने के लिए, तो वो उस कमांड सिस्टम से क्या होगा,
ऑर्बिट की कंट्रोलिंग रहेगी। तो उस ऑर्बिट की कंट्रोलिंग के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो जिससे कि अगर हमारा जो कमांड जो सेंड हुई है वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में आई है कि नहीं आई है ना, तो उसके लिए प्रॉपर रिमोट सेंसिंग कैमरास को यहाँ से ऑफ करना ऑन करना ये सारी चीजें क्या करती है, टेलीमेट्री ट्रैकिंग सिस्टम करती है। उसके बाद बस लास्ट हमारा आता है दैट इज कम्युनिकेशन सब सिस्टम्स। कम्युनिकेशन सब सिस्टम क्या है, इट इज कम्युनिकेशन सबसे बिटवीन द सैटेलाइट एंड द ग्राउंड स्टेशन। ग्राउंड स्टेशन और सैटेलाइट के बीच में पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सिस्टम क्या करता है, इट मेंटेन द लिंक बिटवीन द सैटेलाइट एंड द ग्राउंड स्टेशन। दिस सिस्टम यूज्ड टू सेंड द सैटेलाइट हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिकॉर्डेड बाय रिमोट सेंसर्स ओके टू द ग्राउंड एंड सेवरल अदर पर्पसेस। तो ये पूरी जो पूरी मैकेनिज्म है एक पूरी सैटेलाइट की हाउसिंग की, इसमें इतने सिस्टम्स रहते हैं तब जाके हमारा क्या होता है, हमारा सैटेलाइट पूरा प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में और प्रॉपर फंक्शनिंग कंडीशन में चलता है। क्लियर, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज पार्ट्स ऑफ satellite and different satellite, different part of satellite and their housing. Thank you.